हेलो शार्क्स, मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी खुद की सबसे फेवरेट हूँ। बीट माय मेकअप, बीट माय हेयर, बीट माय क्लोथ, शी स्माइलिंग सो शी नोज दैट इनसाइड एंड आउट आई पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड। लव इट। बट जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि मैं अपना स्किन का बहुत अच्छे से केयर करूँ, और वो इसलिए है क्योंकि वो नॉलेज के बाद ही आप स्किन केयर को समझ सकते हैं। फॉर दैट रीजन मे बी जब मैं बाहर जाती हूँ ना, समटाइम माई फ्रेंड्स कम दिस क्लोज टू माई फेस ना, ऐसे आ जाते हैं, बोलते यार तेरे रिंकल्स कहाँ हैं? यू एक्चुअली हैव स्किन लाइक अ 20 ईयर ओल्ड व्हेन यू एक्चुअली 40। तब मैंने सोचा यार व्हाई नॉट शेयर दी स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स एंड फॉर्मुलेशन, एंड उस टाइम पे ओली वॉज बोर्न। 3 साल से हमने बहुत सारे बकेट्स में ऐसे टिक किए हैं, माइलस्टोन्स हिट किए हैं, 15,000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं, हम लोग आज सारे मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 57% ऑफ आर कस्टमर्स आर आर रिपीट कस्टमर्स। उनके लिए ना एक्चुअली इट्स ओली और नथिंग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी ओली में 75 लाख ओनली इन्वेस्ट करें, और अगर आप इन्वेस्ट करें तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका मेंटरिंग, आपका नेटवर्क, वो मेरे लिए एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर देन द मनी। सो थैंक यू ऐश्वर्या, मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। थैंक यू। इनफैक्ट मेरा फेवरेट कोट है, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर फैंटास्टिक एटीट्यूड। थैंक यू ऐश्वर्या। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, ट्रिगर कैसे हुआ ये सब? मैं जब 12th में थी उसके बाद, तब तो मुझे एकदम ही कलकत्ता पसंद नहीं था। मैंने बोला अभी निकलना है यहाँ से। दुबई सिंगापुर से एसपी जैन का एमबीए कंप्लीट किया, जो एनी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली की बच्ची सिंगल चाइल्ड तो वो जो करता है कि कॉर्पोरेट में काम करो, मैंने वो भी किया, एमएनसीज में काम करी, एकदम मजा नहीं आया। क्या था? मार्केटिंग बीटीएल हेड का रोल था। तो मैं सोचती थी कि यार सब तो ठीक किया अभी तक, तो क्यों नहीं मजा आ रहा है। फिर मेरे फादर एंड मदर दोनों कलकत्ता में रहते हैं, तो आई सडनली रियलाइज कि आई हैव टू गो बैक देयर। उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि जो चीज़ मुझे पसंद है करना, वो करने में मुझे कितना मज़ा आता है। एंड आज आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वाई स्किन केयर? बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कोई कर रहा है, तो ये क्यों? बट यही में मुझे इसी में मज़ा आता है, भले छोटा हो लेकिन ये मेरा है और ये बहुत कम्प्लीट है। ओली जहाँ तक मेरे को पता है एक उत्तराखंड में हैमलेट हाँ, है हाँ, मैं वहाँ पे रह भी चुका हूँ, काफी हाँ, सुंदर जगह है, बर्फ पड़ती है हाँ, तो आपने नाम उस पे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ओली और ऑयली हाँ, बहुत ही जल्दी मिक्सअप हो सकता हाँ, है हाँ, 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 तो ये आपके कभी दिमाग में आया क्या? नहीं एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी ना, तो मैं पूरा दिन बहुत बोर होती थी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे काम तो कोई और करता था। The true making of an entrepreneur. तो मेरे फेसबुक में एक ग्रुप था जिसका नाम था Ash You Like It. वो ग्रुप में कुछ 11,000 लड़कियां थी, कोई लिपस्टिक, कुछ स्किन केयर के स्वाचेस चलते थे पूरा दिन। तो वहां से वो Ash You Like It जो है, तो उन्होंने अपने आप ही से उसको क्वेश्चन करके AULI कर दिया था। Okay. शॉर्ट करके हाँ, ओली कर जब दिया। मैं डिसाइड की कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, तो नाम मैंने ओली ही रखा। इट्स अ ट्रेडमार्क लोगो एंड द नेम इज वेल। आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं पैकेजिंग हाँ, वगैरह। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप नजदीक से देख रही हो, आपकी स्किन सचमुच बहुत सुंदर है। थैंक यू। वी मैचिंग? यस, आई वाज सो एक्साइटेड आउटसाइड, आई वाज लाइक नो माय गर्ल नोज। और आपने फॉर्मुलेट खुद किया? कौन से प्रोडक्ट्स है यहाँ? दीज आर ऑल द सीरम्स। ये प्रोडक्ट्स और लोगों के पास भी हैं? नहीं, फॉर्मुलेशन तो एकदम ही डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मुलेशन। Thank you very much. Thank you. Pleasure is mine. So Aishwarya, जब मैं एक woman entrepreneur देखती हूँ, तो बहुत ही proud feel होता है. Thank you so much, Namita. I did want to say that. As a woman entrepreneur, क्या आपको बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ऐश्वर्या अगर तुम्हारी शादी हो गई या बच्चे हो गए तो क्या तुम distract हो जाओगी? Yes. क्या तुम ये बिजनेस बंद कर दोगी? क्या आपने ये सब कमेंट सुने हैं? Yes. और अगर सुने हैं तो आप कैसे जवाब देती है? बहुत बार सुना है, मैं तो हंस देती हूँ।
अंदर से ना मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बट जो मैंने यही सवालों के और यही पंचेस से जो मेरा वॉल बन गया है ना, उसको अब और कोई नहीं तोड़ सकता। वो आपने अमिताभ का डायलॉग सुना है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल उसी किस्म के हैं। हाँ, तो आप डॉन ही बने रहिएगा। एकदम एकदम, इनफैक्ट मेरे को बहुत लोग बुलाते भी है डॉन। देखो मैं बहुत ही अच्छी बॉस हूँ, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, बट फिर भी डरते हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? मेरे 15 एम्प्लॉइज हैं। आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या है? रेवेन्यू हमारा फॉर 2018-19-20 में रहा है 35 लाख। आज हम लोग वहाँ से 1.2 करोड़ आए थे उसके नेक्स्ट ईयर 2021 में, एंड 21-22 में हम लोग का ARR एज ऑफ टुडे स्टैंड्स एट 2.5 करोड़। ऐश्वर्या, ये इंडस्ट्री को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ क्योंकि D2C है। आपने जब ये स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत ब्रांड स्टार्ट हुए हैं। हाँ। और वो ब्रांड्स कहाँ किस लेवल पे आपको भी पता होगा। हाँ, राइट। ऐसा क्या रहा कि आपका ब्रांड वहाँ नहीं पहुँचा? एक्चुअली हम ना थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक, मतलब वो भी है। नहीं, क्या होता है ना, वो लोग मार्केट प्लेसेस पे बहुत फोकस किए। आप नहीं करते? मैंने नहीं किया। क्यों? मतलब asking for such big number, Amazon, Nykaa, especially Nykaa. नहीं, वो मांग नहीं रहे, मांगता कोई नहीं है। आप जाओ, अपना product list करो, और मांग पेचो, but बिकते नहीं। But बिकते नहीं। क्योंकि दिखते नहीं। तो जो दिखता है वो बिकता है, आप दिख नहीं पाते क्योंकि अगर पैसा नहीं है वो दिखाने के लिए। Right, you're right. आपकी ये सेल आ कहाँ से रही? ये सेल हमारे खुद की वेबसाइट से, सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे लाइव होते हैं, मेरे मास्टर क्लास होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, फिर वर्ड ऑफ माउथ से और कस्टमर्स आते हैं, और उसी से मेरा 75% रेवेन्यू आता है। अनदर 15% मेरे बाकी जितने भी मार्केट प्लेसेस है वहाँ से आते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो व्हाट्सएप से, कुछ कुछ सैलॉन्स में हम लोग वेस्ट में ईस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आते हैं। आज की तारीख में आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है? 10%। 10%? हाँ। ना कम क्यों? नहीं नहीं, कुछ गलत कह रहे हो। 10% आपकी कॉस्ट होगी। आप कितने का बेचते हो ये? मैं मान लीजिए 499। तो खरीदता कितने का? 120 रुपीस। 120 रुपए में खरीदा। हाँ, तो आपका 80% ग्रॉस मार्जिन होगा। 80%। 10% क्या सोच के आपने बताया मेरे को? नहीं नहीं, मेरे को लगा नेट प्रॉफिट आप बोल रहे हैं। नेट प्रॉफिट वो है यार। नहीं नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। पिछले 2-3 साल का जो आप नहीं बढ़ पाई इतना जितना की करना चाहिए था, अभी कैसे बढ़ेंगी आप? मैंने अभी तक ना मार्केटिंग में सही बोलूं तो मतलब हर महीने 2-3 लाख ऐसे करके जस्ट नेम सेक के लिए पैसा डाला है, और जो मैंने रेज किया था फंड्स में, आई हैव रेज 1 करोड़ 40 लाख इसके पहले। क्या वैल्यूएशन पे? एट 10 करोड़ वैल्यूएशन। टोटल अभी तक इन्वेस्टर्स? मेरे 4 इन्वेस्टर्स हैं टोटल, मैंने अभी तक 25% डाइल्यूट किया है। और लास्ट वैल्यूएशन आपका 10 करोड़? ये समझ गया। ये जो मैं बिग राउंड रेज करने चाह रही हूँ, इस राउंड से मुझे मार्केटिंग करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम बिजनेस शुरू करा था ना, मैंने एक कैफे से शुरू किया था, सोशल करके कैफे होता था, मैं अकेला काम करता था, लोन लिया मैंने अपने पापा से, मेरी वाइफ काम करती थी, उसकी सैलरी से हमने अपना घर चलाया था। काम शुरू करने के लिए इंडिया में आपको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उसके बिना भी काम चलता है। आपने इतने पैसे रेस करे, आपने पैसे वेस्ट करे, इस पैसों में तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता था। आपने इतने पैसे लगाए कहाँ? मेरे एक्चुअली मेरे ना वो मेंटरशिप ही नहीं थी मेरे, ऑनेस्टली मैं खुद ही मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई बिजनेस करता नहीं है, मतलब वी वेंट इन द फ्लो, मतलब ये जवाब मैं नहीं दे सकती। मेरे को मिल गया आपका जवाब। आपको नहीं पता था आप क्या कर रहे हो, पर आप करना चाहते थे, ये नहीं पता था कैसे कर रहे हो। मेरे को लगता है कि आप मार्केटियर नहीं, इन्फ्लुएंसर हैं। आपको अपने प्रोडक्ट का बहुत पैशन है, तो आप प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे बना सकते। मार्केटिंग इज नॉट नॉलेज ट्रांसफर, मार्केटिंग होता है एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग होता है, बहुत सी चीजें होती है मार्केटिंग, है ना? तो मुझे नहीं लगता अभी आप तैयार हैं वो करने के लिए, तो इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए ना है, तो मैं हूं आउट। मेरे लिए ये बिजनेस अभी मुझे लगता है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो काफी ज्यादा होगी। yes. आज के लिए बिकॉज आई थिंक ये छोटा इन्वेस्टमेंट होगा इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए। हाँ. मैं बाहर हूँ, बट बिजनेस आपका अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है, एंड आई थिंक आप अच्छा करेंगे ये बिजनेस, इसको कंटिन्यू करिए आप।
थैंक यू। तो ऐश्वर्या जी, आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है। हाँ। 2.5 करोड़ का माल। हाँ। आप बिना प्रोडक्ट में दम के नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। अगर आप ढंग से चलाते आप 5 करोड़ का माल बेचते। हाँ, बिल्कुल। अगर हम आपको बोलें कि ठीक है, अगर हम आपको पैसा कुछ दे रहे हैं और मान लीजिए कि आपके पास 50% रह जाता उसके बाद, और हम आपको ये भी बोलें कि इस 50 में से भी आपको 25 किसी और को देना है, आपको को फाउंडर की जरूरत है, आपसे अकेले नहीं होगा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर? नहीं, फिलहाल तो नहीं। इस बिजनेस में आपको एक को-फाउंडर की जरूरत पड़ेगी। हाँ। आप थोड़ा एफर्ट उसमें डालेंगी तो वो आपको ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। इस कारण से एटलीस्ट मैं आउट ऑन। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेरा डायलॉग है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं आपके प्रोडक्ट में दम है, मैं करना चाहता था इन्वेस्ट, थोड़ा और ऊपर होता ना तो मैं और इसको धक्का मार के आपको नायका अमेजोन फ्लिपकार्ट मैं सब जगह भेजता। इसमें कहीं पे मुझे हिचकिचाहट हो रही है, अदरवाइज ये बिजनेस है। ऐश्वर्या, मुझे आप में बहुत बिलीफ है और मेरा मानना ये है कि आप सोलो भी जा सकती है, को फाउंडर की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको अच्छे मेंटोर्स मिले, यस, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स जो आपको मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, फाइनेंस में गाइड कर सके, yes, आप बहुत आगे जा सकती है। यस, एंड लाइक आई सेड, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यस, तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 75 लाख का, बट फॉर 20% इक्विटी। वुड यू बी विलिंग फॉर दैट? ऑफर तो जेनरस है। मैं मार्केटिंग कर चुकी हूँ, मुझे ब्रांड्स बनाने आते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई अडोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड आई वांट टू बेट ऑन यू। मैम, आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता मैं ले पाऊंगी। मैम, आई रियली वांट टू वर्क विद यू, बट 20% मेरे लिए अभी देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे आगे बहुत फंड्स रेज करने हैं। आप थोड़ा सा कम कर दो ना इक्विटी आस्क, मैं अभी दौड़ के आ जाऊं आपके पास। 18% 15 फाइनल 15 मैं अपने से दूंगी। 15% इज टू गुड, प्लीज टू गुड यार, प्लीज यू कैन डू दिस। Let's do it for 15%. Oh, yeah, yeah, yeah. Good negotiation. Congratulations. My girl. I love deal. Amazing. Abhi bahut badhiya deal. Thank you so much. Thank you. Look at us. We even match. We're made for each other. Ye to jodi ban ke aayi thi bhai. We will make it happen. Yes. Yes. Thank you so much. All the best, Ashwarya ji. Thank you. Very big moment for you. I'm so proud of you. So proud of you. Thank you. Products are fabulous. 5-10 crore ka to business bana dega. He's already 2.5 and look at the packaging. Did you see the packaging? It's brilliant packaging. Very nice.